नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोनू टेक में। मैं हूं सोनू फैंस और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को डीबी इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है कि डीबी क्या होता है, डीबी में क्या क्या लगता है, उसमें उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, सर्किट क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, डीबी में जितना कुछ होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, सब समझाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें होता क्या है, जो डीबी होता है, डीबी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अलग अलग जगहों पे भेजना उसको। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हिंदी में उसको कहते हैं वितरण बॉक्स, यानी मतलब कि जहाँ से सप्लाई को अलग अलग जगहों पे भेजा जाए, फैक्ट्री हो या घर हो, एक जगह पे देखते हैं। आप लोगों को देखा होगा डीबी तो हर जगह होता है, हाउस वायरिंग में भी होता है, कमर्शियल में भी होता है, फैक्ट्री वैक्ट्री में भी होता है डीबी जो है। तो वहाँ से जो मेन कंट्रोल करने के लिए वही डीबी का इस्तेमाल किया जाता है और वहीं से हर जगह अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। तो उसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो अगर हाउस वायरिंग की बात करूँ तो हाउस वायरिंग में क्या होता है, सिंपली चार पांच सर्किट, अगर मान लीजिए हमारे पास चार पांच सर्किट है तो चार जितना सर्किट होगा उतना एमसीबी लगाएंगे, ठीक है, और एक इंसुलेटर लगाएंगे, बस डीबी इंस्टॉलेशन हो गया। तो ये सिंपल होता है, इसमें कोई ओवर वोल्टेज या हाई वोल्टेज का पावर प्रोटेक्शन नहीं होता है, बस इसमें सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ही रहता है। यानी कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो एमसीबी वो टिप करेगा फिर। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से कैसे होता है, उसमें क्या क्या लगाना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, घर की वायरिंग कंप्लीट हो रही है, मान लीजिए पांच या छह सर्किट आपने वायर पुलिंग करते समय, चार पांच सर्किट, दस सर्किट, जितना भी सर्किट है बनाए, तो लेकिन अब उसमें क्या करना है, इंसुलेटर तो लगना ही लगना है। इंसुलेटर लगाने का फायदा क्या है, देखिए इंसुलेटर जो होता है फ्रेंड्स वो डबल पोल का होता है। अगर सिंगल फेज कनेक्शन है हमारा तो उसमें डबल फेज लगेगा, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। थ्री फेज है तो उसमें चार पोल का लगेगा, थ्री फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। तो टू पोल, थ्री पोल, चार पोल का भी आता है इंसुलेटर। तो अगर सिंगल फेज हाउस वायरिंग में तो सिंगल फेज ही लगता है फ्रेंड्स, या डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, थ्री फेज में सिंगल पोल को सिंगल फेज बना के डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो सिंगल फेज में देखिए इसलिए लगाया जाता है ताकि न्यूट्रल फेज दोनों को एक साथ ब्रेक कर सकें। अभी क्या होता है, अगर इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर ना लगाए, अगर न्यूट्रल को डायरेक्ट अगर जोड़ दिया गया, ठीक है, फेज को एमसीबी से डिवाइड कर दिया गया, तो एमसीबी से कट ऑफ करने पे तो फेज तो कट होगा ही, लेकिन न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल हमेशा ऑन है, ठीक है, वो सप्लाई करंट जो है उस सर्किट में चालू रहेगा, उसमें पहुंचता रहेगा। तो इससे क्या होता है, इससे धोखा हो सकता है। कई बार क्या होता है, जो सब स्टेशन आता रहता है वहां से फेज चेंज हो जाता है, न्यूट्रल में फेज आता रहता है और फेज में न्यूट्रल आ जाता है। तो इससे बचने के लिए ये इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है अगर हमको सप्लाई कट ऑफ करना हो फेज तो दोनों को कट कर सकते हैं, न्यूट्रल और फेज दोनों को। तो ये हुआ उसे इंसुलेटर के बारे में। तो आप जान के और क्या लगाएं, तो इंसुलेटर और एमसीबी के साथ साथ देखिए एमसीबी जो है फ्रेंड्स, एमसीबी तो सिर्फ शॉर्ट सर्किट के लिए ही काम करता है, या अगर ओवरलोड है, मान लीजिए हमारे पास 5 एम्पियर है, हमने 6 एम्पियर का एमसीबी लगाया, लोड हमारा 10 एम्पियर है, तो उस समय भी ट्रिप होगा। और अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं भी वायर शॉर्ट सर्किट होता है तब भी ट्रिप करेगा। लेकिन अब वो क्या होगा, वो अगर अगर कहीं अर्थ लीकेज है तो वो ट्रिप नहीं करेगा। उसके लिए क्या लगाना चाहिए हमें, इंसुलेटर हो गया, एमसीबी के बारे में बता दिया, अब आता है ईएलसीबी या आरसीसीबी, दोनों बोल सकते हैं। ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक, और जो आरसीसीबी होता है वो होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी होता है तो एमसीसीबी भी जो है वो मेन इनपुट में लगता है, और वो डोमेस्टिक में नहीं लगता है, वो कमर्शियल में आता है, इंडस्ट्रियल में लगाया जाता है एमसीसीबी को, या ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा लोड है तो भी लगा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लोड का मतलब है सो ही गया वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल। तो आरसीसी ईएलसीबी भी लगाना चाहिए, ईएलसीबी बहुत जरूरी है। वो क्या होता है, वो ह्यूमन बॉडी सेफ्टी के लिए है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी को कहीं से भी करंट मिलता है, अगर अर्थ से टच होता है तो ईएलसीबी तुरंत टेप करता है। और अगर कहीं कभी भी अगर मान लीजिए कोई वायर उसमें टेप लगा है, टेप बाद में रिमूव हो जाता है और उसको अर्थ जैसे ही मिलेगा वो क्या होगा, वो ट्रिप करेगा। तो इस तरह से वो ट्रिप होने से अगर थोड़ा भी अर्थ मिलेगा तो वो ट्रिप होगा ईएलसीबी जो है। तो उसके ट्रिप होने से फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए अगर न्यूट्रल अगर कहीं भी टच रहेगा, ईएलसीबी अगर नहीं लगाया तो वो रीडिंग देगा, मीटर में एनर्जी कंज्यूम होगा आपका, रीडिंग बिजली का बिल जो है ज्यादा आएगा। और एक तो ये हो गया, बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा, और जो सबसे बड़ी बात है ह्यूमन बॉडी की, जो हमारा जो बॉडी है किसी को करंट वरंट लगेगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, अर्थ लीकेज है, वही नाम ही है इसका, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो इसलिए वो ट्रिप हो जाता है। और आरसीसीबी की बात करूं तो जो आरसीसीबी है वो भी इसी तरह से ही काम करता है, कहीं भी अर्थ अगर मिलेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। और उसके साथ साथ अब क्या जरूरी है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है उसमें सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस, ठीक है। तो सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस के लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए,
उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ सर्ज प्रोटेक्टर वाला। तो जो सर्ज प्रोटेक्टर है फ्रेंड्स वो क्या होता है, देखिए सर्ज प्रोटेक्टर एक तो जो आसमानी बारिश बारिश मौसम होता है उसमें जब आसमानी बिजली कड़कती है फ्रेंड्स तो क्या होता है, कई बार आप कई घरों में अर्थिंग नहीं होता है, ठीक है। अर्थिंग ना होने के कारण जो वो करेंट होता है वो हमारे घर में आता है, करंट जो होता है वो हमारे घर में आ जाता है और वो वही हाई वोल्टेज बन के जो हमारे घर के अप्लायंसेज होते हैं डिवाइस होते हैं उनको वो जो है नुकसान पहुंचाता है, खराब हो जाता है, जल जाता है। तो उस इस प्रोटेक्शन बचने के लिए लगाया जाता है सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस। तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेबलाइजर लगा अगर हाई वोल्टेज आता है तो स्टेबलाइजर जो है सप्लाई को रोक के रखेगा, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 300 वोल्ट तक ही काम करेगा, ठीक है फ्रेंड। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, उससे ज्यादा अगर इनपुट आएगा तो इनपुट होगा स्टेबलाइजर में, रिले से बाईपास होगा ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर क्या होगा फिर जल जाएगा। और जो हमारा सर्ज प्रोटेक्टर है वो फ्रेंड्स वो अगर 1100 वोल्ट आता है 1100 वोल्ट तक वो रोक के रखेगा, ठीक। तो इस तरह से सर्ज प्रोटेक्टर काम करता है। अगर कभी हाई वोल्टेज आता है तो वो क्या करता है, जो उसकी लिमिट होती है, ठीक है, वो अपने लिमिट तक ही रोक के रखता है, एडजस्टेबल होता है वो, तो वो सेट रहता है 220 240 तक। जैसे ही 240 से अगर ज्यादा करंट आएगा, 240 है 50 60 या 70 200 300 400 आए, तो क्या होगा, वो सर्ज प्रोटेक्टर ऑन नहीं होगा और हमारे आउटपुट में वो सप्लाई नहीं आएगी, सिर्फ इनपुट में ही रहेगा सर्ज प्रोटेक्टर के इनपुट। तो ये हो गया सर्ज प्रोटेक्टर का, ठीक है। तो जो डीबी इंस्टॉलेशन होता है वायरिंग कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स उसमें देखिए उसमें आपको लगाना है इंसुलेटर, इंसुलेटर से डिवाइड करके लेके आना है जो पोल होता है इनपुट एमसीबी का, इनपुट 10 MCB 12 MCB जो भी लगा है उसको जो है फ्रेंड्स पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है, फेज को। और जो न्यूट्रल होता है न्यूट्रल वाले टर्मिनल में करना है, टर्मिनेट करना है उसको। और उसके साथ उसमें लगाना है अगर जो क्लाइंट है आपका पार्टी है, अगर वो क्लाइंट अगर कहता है उसको नीड है तो भाई उसको लगाना चाहिए। और आपका काम है हर इलेक्ट्रीशियन से मैं कहना चाहूंगा उनका काम है बताना, ठीक है, आप उनको बताएंगे तो उनको इस चीज के बारे में मालूम पड़ेगा तो तब वो लगवाएंगे। तो हर इलेक्ट्रीशियन को बताना जरूरी होता है, बताना चाहिए, ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है वो मैं बता ही रहा हूँ। तो इंसुलेटर और एमसीबी के साथ साथ उसमें अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का, ठीक है, और सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस का, सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस भी अवेलेबल हो गया है हर लगभग हम हर सिटी में मिल जाएगा आपको, ठीक है, एसपीडी बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस लगाए। सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस ना मिले थे तो वो रिले और कंडक्टर भी लगाया जाता है, वो सेम चीज है, वही चीज है, ठीक है, वो हाई वोल्टेज से बचने के लिए वो प्रॉपर तरीका है हाई वोल्टेज से बचने के लिए। अगर उसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट में फिर एमसीबी ब्रेक होगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और आगे सप्लाई जो है आगे क्रॉस नहीं होगा, सप्लाई फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो हाई वोल्टेज अगर अगर कभी आ गया तो हाई वोल्टेज पे एमसीबी थोड़ी ना काम करेगा, अगर 400 आया 400 दे देगा, ठीक है, 500 आया तो 500 वोल्ट भी वो आउटपुट करके दे देगा। तो जो 500 वोल्ट जो हाई वोल्टेज सप्लाई इनपुट होगा तो फिर वो क्या होगा, वो जो आपके डिवाइस लगे होंगे पंखा टीवी जो भी है तो वो सब क्या होगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, जल सकते हैं। तो जब भी डीबी इंस्टॉलेशन करे तो उसमें एमसीबी, एमसीबी के साथ इंसुलेटर, इंसुलेटर और ये ईएलसीबी सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस ये सब लगाना ना भूलें, जरूर लगाए, ठीक है। क्लाइंट अगर जिसको नहीं नीड है तो वो ना लगवाए अलग बात है, ठीक है, लेकिन लगाना जरूरी रहता है। और हर इलेक्ट्रीशियन को अगर आपको पता है तो उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आए होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जिस भी टॉपिक वीडियो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा।